नमस्कार, मेरा नाम रोहित शर्मा है, मैं FMC कंपनी से हूँ और यहाँ पर हम लोगों ने किसान मेले में हमारा स्टॉल लगाया हुआ है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो स्पेशली मिर्ची फसल के लिए हम लोग यहाँ पर रखे हुए हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेनिविया की, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं बेनिविया स्पेशली फॉर मिर्ची। अगर हम निमाड़ की बात करें तो मिर्ची यहाँ की एक सबसे ज़्यादा लगाने वाली क्रॉप है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा मिर्ची में क्या आखिरी में अंतर क्या आता है बेनिविया डालने के बाद किसान को, तो ये है मिर्ची में अंतर। ये वो मिर्ची है जो बेनिविया के द्वारा उपचारित नहीं की गई है, वो मिर्ची है जो बेनिविया के साथ उपचारित की गई है। आप देख सकते हैं इसमें अगर आप जाएंगे तो आपको मिर्ची में सीड की क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, शाइनिंग अच्छी मिलेगी और उस आधार पर किसान को पैसा ज़्यादा मिलेगा जब वो अपनी फसल को मंडी में लेके जाता है। तो बेनिविया एक ऐसा आविष्कारिक प्रोडक्ट है FMC का जो मिर्ची में आने वाले सकिंग पेस्ट और इल्ली सभी तरीके के इंसेक्ट को कवर करता है मकड़ी को छोड़ के। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि ट्रांसप्लांटिंग के 20 दिन बाद इसका पहला स्प्रे होना चाहिए, उसके 10 दिन बाद इसका दूसरा स्प्रे होना चाहिए। इसके ये दो टीके लगने के बाद जो शुरू के 45 दिन हैं वो पूरे 45 दिन बेनिविया के द्वारा रोकथाम किए जाते हैं और उस समय का जो तनाव होता है वो तनाव रहित फसल रहती है, जिस कारण से वो अच्छी वृद्धि करती है। यही समय सही समय पर इसका अगर सही डोज 240 ml अगर जाता है तो यही आखिरी में किसान को उसका फ़ायदा दिखता है अपने पौधे के ऊपर। सही तरीके से आकार जब आएगा, सही ब्रांचें आएंगी, जितनी ज़्यादा ब्रांचें उतनी ज़्यादा उसके ऊपर फल आएंगे, उसके ऊपर फूल आएंगे, जितने ज़्यादा फूल आएंगे उतने ज़्यादा वो फल में कन्वर्ट होंगे। तो बेनिविया के लिए हमारा सिर्फ एक ही निवेदन है सभी किसान भाइयों से, सही समय पर सही डोज। सिर्फ दो लाइन है इसके लिए, सही समय पर सही डोज अगर कोई भी इसे लेता है मिर्ची फसल में तो उसे आखिरी में उत्पादन गुणवत्ता और क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में उसे बहुत ज़्यादा अंतर मिलेगा। धन्यवाद।